ओके सो हमारे साहब कृषि पीपल आउट देयर इज अभी रूप वेलकम टू द व्लॉग। तो थोड़ा सा इमरजेंसी केस है क्योंकि एक कोबरा है वो फंस गया है। बेसिकली कॉल पे आके किशोर पहुंच गया है। किशोर इज़ वन ऑफ माय कलीग, एक फ्रेंड, एक टीममेट, जो भी आप बोलो। तो सीन कुछ ऐसा है कि वो किसी के अंदर फंस गया है, तो वही चीज़। तो अभी मैं चाहता हूँ निकलता हूँ, ज़्यादा बड़बड़ नहीं कर रहा, ठीक है भाई? अरे भाई क्या भाई, चल चल। से भी पकड़ के ऐसा भी किया ना, तो भी फट रहा है। हाँ, कितने बजे आया तू? हो गया 5 मिनट आके। देख तू ये कर, हाँ उसको देख, ट्राई करो, नहीं आ रहा उधर तलक, नहीं आ रहा सीधे का, ऐसा कर बहुत तकलीफ हो रहा है उसको, कटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा दूर रहे तो भी, क्योंकि स्ट्राइकिंग रेंज में ऐसा भी दबा के भी निकल नहीं सकते। सवाल गाना मैं ही नहीं निकाल देगा, इसलिए फोन। बहुत दर्द है, अगर थोड़ा छोटा रहे तो थोड़ा खींच कर निकाल ले रहे हैं। इधर का स्केल्स भी थोड़ा सा निकल रहा है, टच कर रहा है ना, मालूम जम रहा ही नहीं। मैं तेरे को मालूम है अपन खींचम खांसी में बहुत एक्सपर्ट है। सिद्धार्थ भाई क्या करेंगे? 100 मंगा लेते किसी से, 100 से इतना पोर्शन कट कर, कट करने के ऊपर निकलेगा उसको, थोड़ा जगह मिल गया ना तो निकल जाएगा। अगर वो इधर से लग भी, उसको दर्द हो रहा है और उसको समझ रहे कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं उसको। पानी पिया वो अभी वाले, उसको पानी पिया, वेट कर रहा हूं। एक्चुअली हम लोग ने मुझे पहले क्या सोचा कि अगर उसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा के थोड़ा कुछ पुश करके वो निकलेगा, पर इधर आके ऐसा समझ रहा है कि वो सब मतलब नहीं, क्या सब फॉल्स ट्राई है। और ये जो पार्ट है ना, ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा थिक है और हैवी है, तो वो एक्सो से भी कट नहीं होने वाला है। तो एक ऑप्शन ऐसा है कि उसको वो ग्राइंडर मशीन से कट करना पड़ेगा या कुछ वैसे। वो बेचारा बहुत प्यासा था, उसको पानी पीला, सो वी ड्रैंक वाटर ऑन ये स्टेबल राइट ना। और आप अगर उसको देख सकते हो, उसका जो ये बॉडी का पार्ट है यहाँ पे, वो एक्चुअली स्क्वीज हो गया है ऐसे। आई होप कि उसको कुछ इंटरनल डैमेज नहीं है, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं कि मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है उसको। मे बी उसका एक्सरे करना ही पड़ेगा इसके बाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बॉडी पूर्ण अशी झाली, असे सगळे मसल हे दिसते, हे दोन आहेत, हे सगळे असे मसल असे पाठे झाले, कट करणं ते ग्राइंडर ना, तुला कनेक्शन आहे बघ, थोडं थांबूया 2 मिनिट, कारण काय झालं आराम से। हाँ रुको, एक मिनट रुको, मारो डाला।
फटके में तोड़ने का ट्राई करो। आराम से रिलैक्स होना, मेरे गाड़ी में देख पानी है क्या? अरे पानी कटेंगे ऊपर से, बोलो ये ले पानी के लिए पहुंच दे, चलो पानी पी रहे, वो पानी पी रहे। चलो ठीक है, गिर जाएगा उधर पे, फोन लगाओ 7 o'clock की लगे रहेगी। चलो फोन लो भाई, रूम बैग दे भाई, फोन दे भाई। ऑलराइट फैम, दिस इज़ डे 2। तो बेसिकली कल रात को मतलब हम लोग ने उसको मेडिकेट किया वगैरह, और उसका पीछे का जो पार्ट था वो हिल नहीं रहा था, पर उसको फिर थोड़े कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ रेस्ट दी। तो अभी मैं मतलब रात भर तो मेरे पास था कस्टडी में, अभी उसका एक और राउंड है क्योंकि उसका जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो कल रात को एक्सरे हो नहीं पाया क्योंकि वो बंद हो गया था, तो अभी एक्सरे और उसका टिश्यू के ऊपर वर्क करने वाले। आज मेरे साथ साहिल है, तो हम लोग आज दोनों साथ जा रहे हैं। ठीक है, और राइट फैम, तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि वो जो कोबरा है वो बहुत ज़्यादा फंस गया था, ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट राइट नाउ एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत फटाफट रिकवर कर रहा है क्योंकि एक्सरे के अंदर उसको कुछ डैमेज तो नहीं है, मतलब स्पाइन वगैरह सब सही है, तो ही इज़ वेरी लकी। और नीचे जेम्स मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, ओके, तो ही विल प्रोबब्ली गेट फिट एंड ही विल गेट रिलीज विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर उसको हम रिलीज़ कर देंगे उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, रिकवर हो जाएगा तब तक। तो चलो सही है, बहुत लकी है वो क्योंकि उसका स्पाइन वगैरह के अंदर उसको कुछ डैमेज नहीं आया। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी रिलीज़ हो जाए, जल्दी वाइल्ड में चले जाएगा। तो ये वीडियो फिलहाल इधर पे एंड कर दूंगा क्योंकि अगर और लंबी की तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन जो भी है उसको ऑन कर देना यार, मतलब ऐसे डूब डूब वीडियोज़ आपके पास आती रहेगी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम दिस इज़ अभिरूप साइनिंग आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.